हिमाचल प्रदेश में किसानों की समस्या को समझते हुए उनका घर द्वार पर समाधान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने पहल शुरू कर दी है। गांव में बैठे किसान को कौन सी खेती से जुड़े समस्याएं आ रही हैं, उनका किस प्रकार निराकरण हो सकता है, इसको लेकर एग्रो इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक JM पठानिया ने इन दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर किसानों से फीडबैक ले रहे हैं ताकि कॉरपोरेशन उसी आधार पर अपना नेटवर्क स्थापित कर सके। एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक JM पठानिया ने रामपुर में किसानों के साथ बैठक करते हुए बताया कि किसान बागवान को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। एग्रो इंडस्ट्री का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता के साथ उनका आय के साधन सृजित करना है। उन्होंने बताया कि किसानों से फीडबैक के दौरान चार बातें किसानों द्वारा प्रमुखता से रखी गई, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण की आवश्यकता, इसके लिए एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, इसी तरह मृदा परीक्षण और फसलों को लगवाने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए सॉइल टेस्टिंग की सुविधा एग्रो इंडस्ट्री 3 स्थानों पर हेल्थ क्लिनिक खोलेगी, जहां किसान ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपने खेतों से मिट्टी और बीमारी की तमाम जानकारी किसान ले सकेंगे। मृदा के लिए एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के वॉलंटियर स्वयं मौके पर जाकर मृदा एकत्रित करेंगे और उसके बाद प्रयोगशाला तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फार्मर इनपुट और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेशन ने 2 ऑर्डर किए हैं। वे चाहते हैं कि विश्व की नवीनतम सशक्त तकनीक और खेती करने के तरीकों को हिमाचल के ग्रामीण किसानों तक पहुंचाया जाए। जैसे अभी हमारा सॉइल मैनेजमेंट है या हमारा क्रॉप मैनेजमेंट है या हमारा डिजीज मैनेजमेंट है, उसकी अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग जो है वो हम उनको फार्मर्स को दे सकते हैं। दूसरा, फार्मर्स ने जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पूरे प्रदेश में हमको बताया कि फार्मर्स चाहते हैं कि उनको सॉइल टेस्टिंग की सुविधा मिले ताकि उनको जो क्रॉप है वो प्रॉपर वो ले पाएँ और उनको अच्छी सी आमदनी हो सके। तो वो हमने डिसाइड किया है कि हम एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से 3 जगह के ऊपर अभी हमने फैसला किया कि 3 जगह पे करेंगे। उसमें सॉइल हेल्थ क्लिनिक हम खोलेंगे जो कि सिर्फ सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं होगी, हेल्थ क्लिनिक के रूप में काम करेगा और उसमें फार्मर को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होगी, मिट्टी ले कर उसको आने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑनलाइन ऐप के ऊपर वो अप्लाई कर पाएगा और अपना सॉइल सैंपल जो वॉलेंटियर्स के माध्यम से उसके घर से ही कलेक्ट करवा लेंगे और वो जैसे ही सैंपल हमारे पास आता है उसके बाद उसकी रिपोर्ट, जैसे ब्लड रिपोर्ट मोबाइल के ऊपर जाती है, PDF फॉर्म में जाती है, तो उसके पास चली जाएगी और साथ में ही उसको सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान भी चली जाएगी कि आपकी मिट्टी में ये कमी है, आप इसको अपने सॉइल को ऐसे ठीक करें। तीसरा, हमारे को फार्मर्स ने ये कहा कि हमारे को फार्म इनपुट्स और टेक्नोलॉजीज जो हैं उसकी जानकारी नहीं मिलती, तो इसमें हम एग्रो इंडस्ट्री से 2 टेंडर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो फार्म टूल्स और मशीनरी के लिए है और एक हमारा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के लिए है। ये हमारा जो है जितनी भी अच्छी वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है, टूल्स है, मशीनरी है या न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सीड है, बल्ब है, वो सारे हम फार्मर्स सुपर मार्केट हम बनाएंगे जहाँ एक छत के नीचे फार्मर को हर सुविधा मिल सके। आज रामपुर में भी हम इसी विषय में आए थे कि अपना ऑफिस के लिए अच्छी सी जगह देखें जहाँ पे हम सुपरमार्केट को स्थापित कर सकें। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था उसमें हमारा लगा कि फार्मर्स के पास मार्केटिंग